अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं हूँ इस टाइम स्टाइलो की आउटलेट पर और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इनकी विंटर कलेक्शन। तो जी, मुझे इनकी विंटर कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है इस बार, और प्राइसेस आप लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हैं 3000, 2800, 3500 इसी रेंज में इनके सारे ये शूज़ हैं। और कोट शूज़ में मुझे डार्क ब्राउन कलर, बेज कलर और ऑफ वाइट और स्किन कलर ज़्यादा पसंद हैं, और मैं ज़्यादातर यही कलर्स लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन से कलर्स पसंद हैं। वैसे तो लोग वाइट और ब्लैक कलर भी बहुत पसंद कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा विंटर्स के लिए। और लेकिन ये कि बेज कलर जो है वो आपके सभी ड्रेसेस के साथ जा सकता है, ब्राउन कलर भी। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने इनके काफ़ी सारे शूज़ ट्राई किए थे, तो आप लोगों को वो देखने से आइडिया हो जाएगा कि इनके शूज़ किस तरह के थे और पहने हुए किस तरह से लग रहे थे। तो मैं आपको बताऊंगी भी सही कि इनकी क्वालिटी किस तरह की थी, क्या ये सॉफ्ट थे और क्या पहनने में ईजी थे। तो मैं आप लोगों को साथ साथ अपने रिव्यूज़ भी दूँगी। और आप लोगों में से जो न्यू व्यूवर्स हैं और अभी भी मेरे चैनल को देखना स्टार्ट किया है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच। और आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग हील्स पहनना पसंद करते हैं और कुछ लोग ब्लॉक हील्स पहनना पसंद करते हैं, और किटन हील्स भी होती हैं और पेंसिल हील्स भी होती हैं। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह के शूज़ पहनना पसंद करते हैं। मुझे किटन हील्स पसंद हैं और ब्लॉक हील्स पसंद हैं, तो मैं वही बाई करती हूँ। अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ अपने विंटर शूज़ की कलेक्शन शेयर करूंगी, जो कि मेरे लास्ट ईयर के और इस ईयर के शूज़ हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ से लेती हूँ और किस तरह के लेती हूँ। और इसके अलावा अपने स्टिच्ड और अनस्टिच्ड ड्रेसेस की कलेक्शन शेयर करूँगी। मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने अब विंटर्स के लिए बाय किए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वो वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट अनम्स व्लॉग्स के नाम से है। सेम डीपी पिक्चर आप लोगों को मिलेगी जो मेरे यूट्यूब चैनल पर लगी हुई है, तो आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं। और जी, जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो शॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और जी, इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ विंटर्स वेलवेट शॉल्स की कलेक्शन की वीडियो शेयर की थी, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आप लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी मिलेंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में वो शॉल्स हैं, आप लोग अपने लिए बाय कर सकते हैं। वेडिंग सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो वेलवेट की शॉल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो अगर आप लोगों ने वो मिस कर दी है वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग वो देख लीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट वीडियोस अपलोड करूं, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, ब्रांड्स की भी अपलोड करूं और इसके अलावा भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, डिफरेंट वीडियोस, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, आइडियाज़ मिले मेरी वीडियोस के थ्रू। तो इसके अलावा मैं अब आप लोगों के लिए पार्टी वेयर्स की वीडियो लेके आऊँगी, पार्टी वेयर ड्रेसेस की, तो वो भी ज़रूर देखिएगा प्लीज़। आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकेंगे। इसके अलावा जो लोग लाहौर में रहते हैं, तो डाची की एग्जिबिशन लाहौर में आने वाली है, वहाँ पर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर थ्रेड्स ट्रेडिशनल वेयर का एक स्टॉल होगा, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वो ऑनलाइन क्लॉथिंग ब्रांड है जो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस बनाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। उनकी वीडियोस मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
अब मैं यहाँ पर जो शूज़ ट्राई कर रही हूँ वो मैं आपको एक एक करके सारे दिखाऊंगी जो मैंने ट्राई किए हैं, जो इनके टॉप और सबसे अच्छे वाले डिज़ाइन थे वो मैंने सारे ट्राई किए हैं। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कौन से आप लोगों को अच्छे लग रहे थे। ये ब्लॉक हील में जो कोट शूज़ आप देख रहे हैं ये मुझे पहनने में बिल्कुल भी ईजी नहीं लग रहा था, तो वैसे तो ये देखने में अच्छा था लेकिन पहनने में कम्फर्टेबल नहीं था ये। और इसके अलावा ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी हील भी जो है काफ़ी अच्छी थी और ब्लॉक में थी, थोड़ी सी हाई हील थी लेकिन ब्लॉक में थी, कंफर्टेबल थी ये शूज़, तो ये मुझे अच्छे लगे थे। और इसके अलावा ये वाले ब्लैक शूज़ भी मुझे अच्छे लगे थे, ये फ्लैट में थे। और ये वाला ऑलिव ग्रीन कलर में ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे और ये पहनने में भी इजी थे और सॉफ्ट थे। और जी ये वाले भी फ्लैट में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पंप स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और इजी भी था और सॉफ्ट भी। तो ये वो सारे शूज़ थे जो मैंने ट्राई किए, इनके टॉप डिज़ाइंस जो थे वो मैंने सारे ट्राई किए हैं और बस एक दो ही थे जो अनकंफर्टेबल थे, बाकी सारे अच्छे अच्छे लगे मुझे। तो प्राइसेस मैंने आप लोगों को बता दिए थे, 2000 से लेकर 3500 की रेंज में इनके पास ये विंटर्स के शूज़ हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, आई लव यू ऑल।